बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है हमारा लेक्चर नंबर 3, पेज नंबर 4, लेसन नंबर 1, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम एमसीक्यूज कर लेते हैं हल। पहला है, पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है एशिया, बी है अफ्रीका और सी है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर मौजूद है, किस बरेआज़म में मौजूद है, तो ये हम अपने चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, बरेआज़म एशिया में। दूसरा है हमारा, अरबा इज़ अ वर्ड ऑफ लैंग्वेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पर्शियन, अरबिक या उर्दू। आप लोगों को याद होगा हमने अरेबिक पढ़ा था। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पे, वो है पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामी मुल्क है उसमें सबसे बड़ी कंट्री है, कौन से नंबर पे? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास फर्स्ट, बी है थर्ड और सी है सिक्स्थ। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं 4 पे, लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड हैव डिग्रीज, ऑप्शन ए है 90, बी है 180 और सी है 360। तो हमारा सही ऑप्शन है बी। अब हम चलते हैं नंबर 5 पे, चौधरी रहमत अली सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान इन, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का जो नाम है वो कब पेश किया था, उसकी तजवीज़ कब दी थी। ए है ऑप्शन 1933, बी है 1940 और सी है 1947। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। नंबर 1 है, आउट पार्ट ऑफ एनी कंट्री फ्रॉम 4 साइडेड इज कॉल्ड इट्स एब्यूटल्स। नंबर 2 है, पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर यूनाइट्स विद इंडिया, यानी कि जो पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसको मिलाता है पाकिस्तान से, इंडिया को। नंबर 3 है, चौधरी रहमत अली सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान इन, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर है 1933। नंबर 4 है, देयर आर नंबर ऑफ डैश कंट्रीज अराउंड पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द कितने ममालिक मौजूद हैं, तो वो है 4। उसके बाद नंबर 5 है, पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द डैश ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ का क्या कहलाता है, सेंटर। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था पहले कि पाकिस्तान जो है वो तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके बिल्कुल मिड में मौजूद है, यानी कि जो फिर दूसरे ममालिक हैं उनको एक दूसरे के साथ रबते में रहने के लिए पाकिस्तान की जो सड़क है, पाकिस्तान का जो रास्ता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान उन सब के बीच में है। अब हम करते हैं अपने टिक और क्रॉस, यानी कि हमने सही स्टेटमेंट के आगे टिक और गलत के आगे फॉल्स का निशान बनाना है। नंबर 1 है, एब्यूटल्स मीन लेफ्ट और राइट ऑफ एनी प्लेस, ये रॉन्ग है हमारा। एब्यूटल्स का मतलब लेफ्ट और राइट वाली कोई जगह नहीं होती। देयर इज़ ओशन इन पाकिस्तान साउथ, पाकिस्तान के साउथ में कोई समंदर मौजूद है, नहीं, ये भी हमारा गलत है। नंबर 3 है, पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर यूनाइट्स विद ईरान, हम पहले पढ़ चुके हैं पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर जो है वो ईरान से नहीं मिलता, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। नंबर 4 है, चाइना इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नॉर्थ में चाइना मौजूद है, नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। अब हम चलते हैं नंबर 5 पे, पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, तो ये हमारा टिक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। उससे पहले हम अपने कॉलम्स मैच कर लेते हैं। नंबर 1 है एब्यूटल्स, तो इसका सही जवाब है 4 साइडेड बाउंड्री। नंबर 2 है पाकिस्तान विच मीन्स लेटीट्यूड, इसका सही आंसर है 37 डिग्री। उसके बाद है, अरबा इज़ एन अरबिक वर्ड विच मीन्स 4,
ये हम पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान गॉट ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए। अब है लास्ट हमारा अफगानिस्तान नैरो लाइन, जो क्या कहलाती है, उसका नाम क्या है, वा खान, हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम करते हैं पहले अपने क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ लोकेशन मीन, लोकेशन का मतलब क्या है। लोकेशन मीन विच कंट्री इज़ ऑन लैंड एंड विच आर इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि जो कोई भी मुल्क होता है उसकी लोकेशन का क्या मतलब होता है, कि वो ज़मीन पर किस जगह पर मौजूद है और उसके इर्द गिर्द और कौन से हमसाया ममालिक मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, वेयर इज़ पाकिस्तान लोकेटेड, पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है, कहाँ पर मौजूद है। आंसर है, इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, इंडिया इज़ ऑन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर वाइल अफगानिस्तान एंड ईरान लाए इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना लाइज इन नॉर्थ ईस्ट, देयर इज एन ओशन इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान हुज नेम इज़ अरेबियन सी। यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसकी चारों जो साइडें हैं वो किसी न किसी मुल्क से मिलती हैं, जिसमें इंडिया जो है इसके मशरकी बॉर्डर की तरफ है यानी ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ है, अफगानिस्तान और ईरान इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, चाइना इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ मौजूद है, और जबकि जो समंदर है वो पाकिस्तान के वेस्ट में मौजूद है और उस समंदर का नाम क्या है, अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ पाकिस्तान। तो आंसर है हमारा, पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बिटवीन 23.30 डिग्री एंड 36.45 डिग्री लैटिट्यूड एंड 61 डिग्री एंड 75.45 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, व्हाट सिग्निफिकेंस डज पाकिस्तान हैव इन इस्लामिक कंट्रीज़, यानी कि जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान की क्या अहमियत है। तो हमारा आंसर है, अ लिंक ऑफ इस्लामिक कंट्रीज डिवेलप फ्रॉम द सिंध वैली टू अटलांटिक ओशन, बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ इस्लामिक कंट्री। सेम वही बात कि जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम ममालिक के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और बीच में मौजूद होने की वजह से उसका रास्ता इस्तेमाल होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आने जाने के लिए, तो इसीलिए उसकी बहुत अहमियत है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान डज कम्बाइन ईरान एंड अफगानिस्तान। बहुत सिंपल है कि जो ईरान और अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के किस बॉर्डर की तरफ है, यानी कि किस सिमत की तरफ मौजूद है। तो आंसर है हमारा, अफगानिस्तान एंड ईरान लाए इन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अफगानिस्तान और ईरान जो है वो पाकिस्तान के किस तरफ मौजूद हैं, नॉर्थ वेस्ट में। तो दी एंड, अब जो हमने आज पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। आगे पढ़ने के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।